हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 6.3 व्हिच इज़ बेस्ड ऑन क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरिस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। ओके, so let us see, we have here theorem 6.3 which will tell us about the criteria for similarity of triangle. So we have given this as, if in two triangles corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio or proportion. Students, what does it mean? कि अगर हमारे पास कोई दो ट्राइंगल्स होते हैं और उनके सभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशो में होती है, एंड हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो इस वाले जो सिमिलरिटी क्राइटेरियन को हम कहेंगे एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ओके स्टूडेंट्स, एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन के बिहाफ पर हम सिंपली ये भी कह सकते हैं, इफ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, देन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ओके, तो इसे हम एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन से भी कई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम 6.4। वी हैव गिवन इन दिस थ्योरम, this is actually side similarity criterion. If in two triangles sides of one triangle are proportional to, that is the same ratio, the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal and hence the two triangles are similar. तो ये हो गया हमारे पास side similarity criterion. Okay, next students, we have here, if one angle of a triangle is equal to, if one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle and the sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. Students, इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो triangle का कोई एक angle equal है और उन एंगल के इंक्लूडिंग साइड्स जो है वो सेम प्रोपोर्शन में है तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर होगा, और इस सिमिलरिटी क्राइटेरियन को हम कहेंगे साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरियन या SAS। ओके, तो आइए अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस। राइट, सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन, स्टेट which pairs of triangles in figure 6.34 are similar, write the similarity criterion used by you for answering the question and also write the pairs of similar triangles in the symbolical form. Okay, तो हम सबसे पहले यहाँ पर part 1 की बात कर लेते हैं। part 1 में हमारे पास दिया है angle triangle ABC and triangle PQR। इसमें देख लेते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो बहुत सिंपल है ये एंगल 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ओके, नाउ सिमिलरली वी कैन डू इट, लेट अस डू सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फिगर। वी हैव गिवन हियर ए बी सी एंड पी क्यू आर, let us see AB upon QR and BC upon PR and AC upon PQ. So in triangle ABC and question number 1 second part, in triangle ABC and triangle PQR, in triangle ABC and triangle PQR, AB BC upon PR, let us see BC upon P
पी आर इज इक्वल टू 2.5/5 बिकॉज बी सी अपॉन पी आर इज हेयर 2.5/5 सो इट विल बी 1/2 ऑन कैंसलिंग एंड ए बी अपॉन क्यू आर तो यहाँ पर देख लेते हैं ए बी अपॉन क्यू आर इज 2/4 इज इक्वल टू 2/4 विच विल बी इक्वल टू 1/2 एंड नेक्स्ट वी विल हैव ए सी अपॉन पी क्यू इट विल बी इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2 सो वी कैन से हियर ऑल द रेशो ऑफ ऑल द साइड्स आर सिमिलर सो हेंस we can say triangle ABC triangle ABC is similar to triangle QRP यहाँ पर जो triangle का नाम हो जाएगा QRP यहाँ पर ABC था तो यहाँ पर है QRP because इसका corresponding side ये आता है इसका ये आता है इसका ये आता है ठीक है तो ए बी सी यहाँ पर बन जाएगा क्यू आर पी और यहाँ पर होगा साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरियन ओके तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया स्टूडेंट्स अब बाकी पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं जैसे हम इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर देते हैं तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास आ जाता है फिफ्थ पार्ट को आप ध्यान से देखें ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ में देखते हैं हमारे पास क्या दिया है तो इस फिगर में हमें दिया है इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ ए बी अपॉन डी एफ हमें दिया है इसमें 2.5/5 इज इक्वल टू 1/2 एंड BC अपॉन EF दिस इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2 एंड एंगल A is equal to angle F. Is equal to 80 degree. आप फिगर देख सकते हैं अपनी बुक से यहाँ पर AB अपॉन हमने DF निकाला तो 2.5/5 1/2 आ गया BC अपॉन EF निकाला हमने तो 3/6 यानी कि 1/2 आ गया तो इन दोनों साइड्स के अकॉर्डिंग ये जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल होना चाहिए था यहाँ पर जो एंगल भी है ओके लेकिन ये एंगल तो इसके इक्वल तो ये एंगल है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ क्यों नहीं है बिकॉज एंगल्स बिटवीन टू साइड्स आर नॉट सेम ओके तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ और इसका फिगर भी आपने जरूर बनाना है ओके मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि आपकी बुक में दिया लेकिन अब जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो उसमें आपने फिगर जरूर मेंशन करना है राइट तो आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इन फिगर 6.35 ट्राइंगल ओडीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओबीए एंगल बीओसी इज इक्वल टू 125 डिग्री एंड एंगल सीडीओ इज गिवन 70 डिग्री वी हैव टू फाइंड एंगल DOC यानी कि ये वाला एंगल निकालना है हमें एंगल DCO
यानी कि ये वाला एंगल निकालना, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी, ओ ए बी और ये वाला एंगल निकालना है। तो आइए कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इन एंगल्स को, लेट अस डू दिस। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का फिगर बन चुका है हमारा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी एक लीनियर पेयर बन रहा है हमारे पास, यानी यहाँ पर कि एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज लीनियर पेयर फॉर्मेशन, राइट। तो एंगल डी ओ सी तो हमें कैलकुलेट करना है, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इज गिवन 125 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड फ्रॉम हेयर एंगल डी ओ सी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एंगल डी ओ सी आ जाएगा 55 डिग्री। तो एक एंगल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, राइट, 55 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल डी ओ सी, अब ट्राइंगल डी ओ सी में देखते हैं, ये वाला एंगल हम कैलकुलेट कर चुके हैं 55 डिग्री। तो थर्ड एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। सो इन ट्राइंगल डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ओ डी सी प्लस एंगल जो हमें कैलकुलेट करना है डी सी ओ, एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी, यू नो। ओके, सो एंगल डी ओ सी इज हेयर 55 डिग्री प्लस एंगल ओ डी सी इज गिवन 70 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ दिस विल बी 125 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल डी सी ओ विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री एंड सिमिलरली दिस एंगल डी सी ओ विल बी इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये भी एंगल हमारा कितना आ गया 55 डिग्री। ओके, सिमिलरली नाउ ट्राइंगल ओ डी सी, बिकॉज वी हैव गिवन इन फिगर ट्राइंगल ओ डी सी इज, ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, ओ बी ए, सो एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल ए। सो वी कैन राइट हियर, सिंस ट्राइंगल ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, ओ बी ए, सो देयर फोर एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी विल बी इक्वल टू एंगल डी सी ओ, ओके, एंड दैट विल बी इक्वल टू 55 डिग्री। सो हेंस देयर फोर एंगल ओ ए बी विच वी हैव टू कैलकुलेट इज इक्वल टू 55 डिग्री, दिस द थर्ड वन एंगल। इस तरह से हमने तीनों एंगल्स का वैल्यू कैलकुलेट किया और आपने देखा कि हमने किस ढंग से ये कैलकुलेट किया। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपेजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरेलल टू डी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ यूजिंग अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल शो दैट ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। तो यहाँ पर आप एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज कर सकते हैं, ओके, बिकॉज पैरेलल लाइंस होती है उसमें और जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन का यूज करके ऐसा प्रूव कर सकते हैं, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ और हम यहाँ पर कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर को अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले। इन फिगर 6.36 ये जो फिगर दिया है, QR अपॉन QS, QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PR एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू शो दैट ट्राइंगल PQS
पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, हमें ये शो करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे शो करते हैं हम। सबसे पहले इसका फिगर बनाएंगे। तो क्वेश्चन फोर का हमारा ये फिगर बन चुका है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट गिवन। ओके, तो हमारे पास गिवन क्या है इस क्वेश्चन में? गिवन हमारे पास है क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। ये दो चीज़ें हमारे पास गिवन है। टू प्रूव इज व्हाट? टू प्रूव इज हेयर ट्राइंगल पी क्यू एस, ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारा ट्राइंगल पी क्यू एस है वो ट्राइंगल टी क्यू आर के इक्वल है, राइट? सो लेट अस प्रूव दिस। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल आप देख रहे हो पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू। एंगल वन जो है वो एंगल टू के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो साइड्स हैं बेस एंगल्स इक्वल, तो इसका मतलब क्या हुआ साइड्स इनके अपोजिट जो साइड है वो भी इक्वल होंगी। इट मीन्स व्हाट? इट इम्प्लाइज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। वी कैन राइट द रीजन साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ऑल्सो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। दिस वन इज गिवन, हमारे पास ये गिवन है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू को पी आर से रिप्लेस कर सकते हैं, मीन्स पी आर को पी क्यू से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम हमारे पास आ जाएगा क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी अपॉन पी क्यू, बिकॉज पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ओके, नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर, अब हमें इन दोनों ट्राइंगल को स्टडी करना है, ट्राइंगल पी क्यू एस और ट्राइंगल टी क्यू आर को स्टडी करना है। और देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है। क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, क्यू टी अपॉन पी क्यू। और ये हमारा प्रूव हो चुका है, ऑलरेडी प्रूव्ड अबव, राइट? और इसको हम लिख सकते हैं क्यू आर अपॉन क्यू टी, इसको लिख सकते हैं हम क्यू आर अपॉन क्यू टी, क्यू आर अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन क्यू पी, क्यू एस अपॉन क्यू पी। तो इनका रेशो भी इक्वल आ गया। एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन, इन दोनों ही ट्राइंगल में एंगल वन जो है वो एंगल वन के इक्वल है। ओके, तो अब हम ये एंगल आ गया हमारा कॉमन। सो देयरफॉर वी कैन से, देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड। ओके, साइड एंगल साइड रूल से हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू एस जो है वो ट्राइंगल टी क्यू आर के सिमिलर है। ओके स्टूडेंट्स, सिमिलरली यू कैन
सी क्वेश्चन नंबर 5. एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू आर टी एस. शो दैट एंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस. ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है. ओके, इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. आइए देखते हैं. तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की फिगर बन चुकी है. एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर. तो ये हमने एक ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, और एस और टी क्या है, पॉइंट से साइड पी आर और क्यू आर पर. सच दैट एंगल पी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के इक्वल, एंगल आर टी एस के इक्वल, इस वाले एंगल के इक्वल है. तो हमें क्या बताना है कि ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस. ओके, तो ये प्रूव करना है. आइए इसको प्रूव कर देते हैं, और ये प्रूव करना बहुत आसान हो जाएगा. हम लिखते हैं इन ट्राइंगल आर पी क्यू, यानी कि आर पी क्यू ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल आर टी एस. ट्राइंगल आर टी एस, इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस. दिस वन इज गिवन. ओके, एंड एंगल आर इज कॉमन इन बोथ. एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों का ही ट्राइंगल का एंगल है. ओके, दिस वन इज कॉमन. तो आपने यहाँ पर देखा कि एंगल पी एंगल आर टी एस के इक्वल है, और एंगल आर इस वाले ट्राइंगल का भी, और एंगल आर इस वाले ट्राइंगल का भी इक्वल है, राइट. तो आप कह सकते हैं कि देयर फोर वी कैन से ट्राइंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर टी एस बाय एंगल एंगल. ओके, हैंस प्रूव्ड. तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व, राइट. सिमिलरली यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 बाय योरसेल्फ. ऑल क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. ओके, 6 एंड 7 क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क, एंड लेट अस सी. 6 क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट दिया, तो उसे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में सभी जो पार्ट्स होंगे, इसका फिगर दिया है इधर 6.38, इसका फिगर भी दिया है आपके पास. तो इस वाले में आपने क्या शो करना है, इस वाले में आपने, इसमें एंगल एंगल क्राइटेरियन सब में यूज होगा, और आपने इसको इजीली सॉल्व करना है. आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि ई इज अ पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ. शो दैट ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी. ओके, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी. तो यहाँ पर इसका फिगर नहीं दिया है, हमें फिगर खुद बनाना है. हमारे पास एक कंडीशन दी है कि ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट एफ. तो आइए पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 की फिगर बन चुकी है, क्योंकि इसमें कहा था कि ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड ए डी प्रोड्यूस्ड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी. ओके, एंड बी ई इंटरसेक्ट सी डी एट पॉइंट एफ. हमने फिगर बना दिया है. अब हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी. तो हमें ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना है. तो आइए देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं, ये एंगल 1 मान लेते हैं और ये एंगल 2.
क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल वन एंगल टू के इक्वल होगा, ठीक है। और ये जो साइड प्रोड्यूस की है ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर जो एंगल थ्री है वो एंगल फोर के इक्वल होगा। तो हम इजीली इनको प्रूव कर पाएंगे। तो हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी ए एंड ट्राइंगल सी एफ बी, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, अल्टरनेट एंगल्स आ जाते हैं ये, एंड एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ओके, अल्टरनेट एंगल्स आ जाते हैं, इट इम्प्लाइज व्हाट, ट्राइंगल ए बी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी एफ बी बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। सिमिलरली यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 6.39। फिगर इज गिवन हेयर, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स राइट एंगल एट बी एंड एम रिस्पेक्टिवली। यू हैव टू प्रूव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी। तो ये प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, आपके पास इस वाले जो ट्राइंगल में एंगल बी दिया है दैट इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, ओके, एंड एंगल ए इज कॉमन, सो यू कैन प्रूव इट एज ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए एम पी, प्रूव हो जाता है। अब क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो हम वहाँ से लिख सकते हैं कि सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन या बी सी अपॉन एम पी। ओके, तो सिमिलर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका रेशियो ऑफ कोरिस्पोंडिंग साइड क्या होता है, इक्वल होता है, राइट। तो नाइन्थ क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे। नाउ लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी रिस्पेक्टिवली। इफ ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी शो दैट ऑल दिस थ्री। इस क्वेश्चन में पहले हम फिगर बना लेते हैं और फिगर को देखते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारे पास फिगर बन चुका है। 10 में दिया था कि सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाई सेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ सच दैट डी एंड एच लाई ऑन द साइड ए बी एंड एफ ई रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ई एफ जी। ओके, सो वी हैव गिवन हेयर इन दिस क्वेश्चन, वी हैव गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी, एफ ई जी याद रहे आपको, एफ ई जी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी। ओके, सो इट मीन्स वॉट, इट इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल एफ, ओके, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल जी, एंड एंड ए बी अपॉन एफ ई विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए जी इज इक्वल टू ए सी अपॉन जी ई, ए सी अपॉन एफ जी। तो ये सब हमारे पास गिवन, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर तो ये वाली कंडीशन इस ढंग से होगी। ओके, तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया था, हमें प्रूव करना है कि सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ओके,
तो इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, और इसके अकॉर्डिंग बाइसेक्टर दिया है, रिस्पेक्टिव बाइसेक्टर। तो ये एंगल वन, तो ये एंगल टू, ये एंगल वन, तो ये एंगल टू, ये एंगल थ्री, तो ये एंगल फोर। ओके, हम मान लेते हैं यहाँ पर एंगल्स इस प्रकार से। फर्स्ट पार्ट है इन ट्राइंगल ए सी डी एंड एफ जी एच, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, इन दोनों ट्राइंगल्स को हम देखते हैं। इन ट्राइंगल्स में हमारे पास क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। ओके, ये तो हमारे पास गिवन में दिया है ऑलरेडी, यहाँ पर है, ये सिमिलर है, तो ये एंगल ए एंगल एफ के इक्वल गिवन है। एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, बिकॉज हाफ ऑफ एंगल सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, बिकॉज दिस, सो वी कैन राइट इट एज, देयर फोर वी कैन से ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच बाई एंगल एंगल। तो फर्स्ट हमारा एंगल एंगल से हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच। जब सिमिलर होते हैं तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पर, इट इम्प्लाइज सी डी, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि सी डी अपॉन जी एच, वी कैन राइट सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी, ए सी अपॉन एफ जी। ओके, ए सी अपॉन एफ जी, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, दीज आर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, नाउ तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। यहाँ पर सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या दिया है, ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट से हमारे पास है कि सी डी अपॉन जी एच, हमें इसमें क्या प्रूव करना है कि डी सी बी, डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ए। तो ये वाला जो ट्राइंगल देख रहे हैं आप डी सी बी, इसे हमें ट्राइंगल एच जी ई के सिमिलर प्रूव करना है। ओके, तो आइए प्रूव करते हैं इसको। सेकेंड में हमारे पास है सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी, इट इज प्रूव्ड एबव, हमने प्रूव किया अभी यहाँ पर, बट हम कह सकते हैं कि ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए जी। ओके, कह सकते हैं ना हम, क्योंकि हमारे पास ये गिवन है बी सी अपॉन ए सी अपॉन एफ जी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए जी, गिवन में है। ओके, सो देयर फोर वी कैन रिप्लेस सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए जी, वी कैन रिप्लेस दिस बाय दिस, लेफ्ट हैंड साइड या ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल, तो ये इसके इक्वल होगा। ओके, तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि इन ट्राइंगल डी सी बी, इसे हमें प्रूव करना है, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, इसमें हम कह सकते हैं कि एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। वाई, बिकॉज हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी, ये तो हमें दिया हुआ है। एंड सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई जी, राइट। सो देयर फोर ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई बाई
साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल। ओके तो स्टूडेंट्स ये था सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट में देखते हैं हमें क्या दिया है कि ट्रायंगल डीसीए सिमिलर प्रूव करना है ट्रायंगल एफ एच जी एफ। तो ट्रायंगल डीसीए देख लेते हैं, यहाँ पर ट्रायंगल डीसीए प्रूव करना है हमें इक्वल टू ट्रायंगल एच जी एफ एच जी एफ। तो आइए इसको प्रूव कर लेते हैं अब, राइट। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये इसका है थर्ड पार्ट। ओके थर्ड पार्ट है, और थर्ड पार्ट को हम कैसे प्रूव करेंगे, इन ट्रायंगल डीसीए एंड ट्रायंगल एचजीएफ, इन ट्रायंगल डीसीए एंड ट्रायंगल एचजीएफ, इस दोनों में क्या है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू एंड सीडी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। ऑलरेडी ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्शन कह सकते हैं हम, बाइसेक्शन एंगल है, और ये हमारे पास जैसा कि हमने ऑलरेडी प्रूव्ड किया है। सो इट इम्प्लाइज व्हाट वी कैन से, ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी एफ, और ये हमने प्रूव किया साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से, तो हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हमने पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, इस एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन बचते हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, या गूगल मीट पर भी आप मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो कंप्लीट 10 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट्स ऑल।